बड़ी खबर, तेलंगाना के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जीवनी पढ़नी होगी। दरअसल राज्य के स्कूलों में लागू पाठ्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष की जीवनी को शामिल करने की अपील की गई। कांग्रेस अध्यक्ष के 74 जन्मदिन के मौके पर बुधवार 9 दिसंबर को तेलंगाना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्रवण दास रिजू ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से इस बात का आग्रह किया। वर्ष 2014 में एक चंद्रशेखर राव ने कहा था कि तेलंगाना के लिए सोनिया गांधी को सारा क्रेडिट जाता है और इसे कोई दूसरा नहीं छीन सकता। प्रवक्ता ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राव ने राज्य के गठन के बाद विधानसभा में कहा था कि सोनिया गांधी के बगैर तेलंगाना का अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के गठन के एक साल बाद वर्ष 2015 के मई में राज्य के गठन से जुड़ा एक नया पाठ कक्षा 10वीं की इतिहास के सिलेबस में शामिल किया गया। द मूवमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट नामक इस पाठ में 2009 में केसी राव के उपवास से लेकर राज्य के गठन तक का विवरण है, लेकिन इसमें कहीं भी कांग्रेस या इसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी का जिक्र नहीं है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।